कठघोरा पुलिस ने देश के कुख्यात माओवादी गैंग के तीन सातिर सदस्यों को अंबिकापुर रोड पर हनुमानगढ़ी के पास से हिरासत में लिया है। दबिश के दौरान इनकी संख्या 5 थी। दो डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इनके पास से पुलिस ने एक चालू हालत में देसी कट्टा, दो सब्बल, एक तलवार और 3 नग एक्सल ब्लेड जब्त किए हैं। छुपे होने के बारे में पता चला तो घेराबंदी कर इनको जो है तत्काल पकड़ा गया। तो उस समय कार्रवाई के दौरान काफी अंधेरा था तो दो लोग तो उसमें से भाग निकले, बाकी जो 3 सदस्यों को जो है उनके जो है कार सहित पकड़ लिया गया। रायपुर के डिगरापारा थाना क्षेत्र में कोयला बिक्री के नाम पर 15 लाख की ठगी करने वाले आरोपी की तलाश लगातार जारी है। डिगरापारा पुलिस ने आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए विशेष टीम तैयार की है। इसके बाद आरोपी के कई ठिकानों पर दबिश की गई है। बीते दिनों पीड़िता नयन श्री तिवारी द्वारा व्यापारी आकाश सिंघल के खिलाफ कोयला लेन देन के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में आकाश सिंघल दोषी पाया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा विशेष टीम तैयार कर आरोपी की तलाश की जा रही है। संस्था है उनके द्वारा 15 लाख रुपए कोयला के व्यापार के नाम पर उसे ठगी गई है। इसमें अभी जांच चल रही है और जल्द ही इसमें हमारी टीम बिलासपुर भी जाएगी और वहां से सब दस्तावेज और उनकी आरोपी पत्रधारी की। रायपुर के अमानागढ़ थाना इलाके से कुछ दिन पहले चोरी हुआ ट्रक को पुलिस ने बरामद करने के साथ ही एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। रायपुर से चोरी हुआ ट्रक जगदलपुर से मिला है। आरोपी वहां अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था और ट्रक की पहचान उजागर न हो सके इसलिए ट्रक को दूसरे रंग से पेंट करा दिया था। पुलिस ने 3 दिन पहले टाटीबंध चौक के पास से ड्राइवर खाली ट्रक खड़ा करके अपने घर चला गया था। दूसरे दिन वापस आकर देखा तो ट्रक गायब मिला। पूछताछ करते करते हमारी टीम के द्वारा इनका एक साथी है जयदीप सिंह करके उस तक पहुंच पाए और जिसे इसके बाद पता चला कि ये कोंडागांव में विश्व घर है करके और वहाँ ट्रक को ले गया करके। इसमें हमारी टीम वहाँ पर गई और उसको वहाँ से हिरासत मिली। पूछताछ में इसने अपना गुनाह कबूल किया है। नसरुल्लागंज में कोरबा नगर निगम की निर्माणाधीन पंप हाउस में धावा बोलकर लाखों रुपए कीमती सामानों की चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी स्थानीय हैं और आदतन अपराधी हैं। एक पुराना साकेत चोर है ननका जो पूर्व में भी कबाड़ के मामलों में अंदर रहा है। उससे पूछताछ में फिर अन्य अपने साथियों का नाम बताया कि हमने मिलकर इसको चोरी किया है और कबाड़ी को बेचा है, नाम नहीं बता रहा हूँ, भाग जाएगा करके।